सभी को जय श्री कृष्ण। आज विश्व योग दिवस हम मना रहे हैं संपूर्ण विश्व में। योग दर्शन हमारे जो छह प्राचीन दर्शन हैं उनमें से एक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। योग की जोड़ी सांख्य के साथ है। हम ये कह सकते हैं कि सांख्य थियोरेटिकल है तो उन्हीं बातों को प्रैक्टिकल योग दर्शन में किया गया है भगवान पतंजलि के द्वारा। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ये दोनों बहुत बड़े इश्यू बने हुए हैं और ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग आशीर्वाद रूप है। आसन प्राणायाम से पूर्व अष्टांग योग के जो प्रारंभ में दो चरण हैं यम और नियम, उसका पालन करने से जीवन में जो संयम आता है और नियम के द्वारा जीवन एक जो सुव्यवस्थित लय में चलता है तो नींव पड़ती है जिंदगी की बड़ी मजबूत। और फिर आसन और प्राणायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है, सौष्ठव बना रहता है। और फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि के द्वारा जब हम अपनी चेतना को उस परम अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं या तो हम अपने स्व में स्थित होते हैं तो वो हमारी मानसिक शांति, हमारे मन की सकारात्मकता, हमारे मन में प्रेम और करुणा, उन सबको भरती है और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति अपने स्व में स्थित होकर के अपने आप को चार्ज कर सकता है लेकिन केवल स्वार्थ में ही वो जिए ये उचित नहीं है। अतः विश्वरूप परमात्मा जो सर्वात्मा भगवान हैं या तो उसको परम अस्तित्व कहो, उस यूनिवर्स के साथ अपने आप को जोड़ करके सबकी सेवा में अपने आप को समर्पित करना ये भी योग का ही एक लक्ष्य है। हमारे भारतीय के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर यूनो में ये प्रस्ताव पारित हुआ और 175 से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया और संपूर्ण विश्व आज भारत की इस विधा को फॉलो करते हुए, उस विषय में जागृत होते हुए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए संपूर्ण विश्व के साथ, विश्व सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, युक्त करते हैं, योगी बनते हैं। और जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको चरितार्थ करते हैं। अल्टीमेटली ये योग संपूर्ण विश्व को जोड़ने वाला भी सिद्ध होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जब कोई व्यक्ति युक्त होता है तो परस्पर सद्भाव, शांति का वातावरण कायम होता है। उतना ही नहीं, एक दूसरे की समस्या में एक दूसरे की मदद के लिए भी तुरंत जो योगी है वो दौड़ते हैं और परस्पर सद्भाव से आनंद पूर्वक रहते हैं
और तब एक योगी का जीवन निश्चित रूप से एक उत्सव बनता है। सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पुनश्च संपूर्ण विश्व में योग दिवस को मना करके विश्व मानवता को इससे अवगत करने और इससे जोड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत साधुवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत योग दिवस का अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।